जिसको आवाज नहीं आ रही वो बता दे कि वो चैट विंडो में मैसेज कर दे कि अगर उसको आवाज नहीं आ रही। सबको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चले ठीक है। हम अच्छा, मैंने कल बताया था लिक्विडिटी रेशो का, ठीक है? जिस जिसका आइडिया क्लियर है लिक्विडिटी रेशो का, बेसिकली मेरा मेरा कहने उसे भी है कि आपको करंट रेशो और एक क्विक रेशो में से मैंने बताया था कि कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, सो विच वन इज मोर एक्यूरेट। कोई भी आंसर दे सकता है। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, क्विक रेशो या करंट रेशो? सर क्विक रेशो। अच्छा, क्विक रेशो की क्विक रेशो बिल्कुल आपकी बात सही है, क्विक रेशो हमारी ज्यादा एक्यूरेट है। अब आप अगर इनके रिजल्ट्स देखो, जो कि आपकी अगर आप इस साइड पे देखोगे तो ये आपको रिजल्ट्स दिए मैंने, राइट? हर किसी के यस सर। अच्छा, तो इसके हर किसी के रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं 2010 का 2012 के साथ, ठीक है? उसने एक ही कंपनी के 3 साल का एनालिसिस कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल वैल्यूएशन करना, ठीक है? मार्केट से कंपेयर नहीं कर रहा, क्रॉस सेक्शनल एक ही कंपनी का कर रहे हैं, ठीक है? जब हम इधर देखते हैं तो वो ये कहता है कि ओके, ये ठीक है। अब वो ठीक जो कह रहे हैं करंट रेशो के हवाले से, मैंने आपको बताया था 1 से ज्यादा होगा या 1:1 भी होगा इवन, तब भी ये ओके कंसिडर होगा, गुड कंसिडर होगा, ठीक है? इसके लिहाज से जब उसने क्विक रेशो को टेस्ट किया है फॉर द टाइम सीरीज ऑफ 2010 टू 2012, तो वो उसको गुड कंसिडर कर। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर्स आप देख रहे हो, जो 2010 का है वो 1.32 है, रेशो निकली है 1.32। इसी तरह से 2011 की 1.46 और 2012 की निकली है 1.51। सो इसमें ज्यादा जो है 1.51, विच इज 12, 2012 में ज्यादा हुई है वो रेशो, सो इसलिए उसने इसको गुड कंसिडर किया। जबकि इसमें करंट रेशो में आप यही चेंज देख रहे हो, करंट रेशो में ये चीज कम हुई है, ठीक है? ये दोनों का कंपैरिजन देख रहे हो आप ऊपर, 2012 के अंदर दोनों रेशियोज का आप कंपैरिजन करो, ये देखो। सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? सब अपने कैमरा ऑन करें प्लीज। हाँ, सबको मैंने कहा है कि कैमरे प्लीज अपने ऑन करें, आप सब नहीं ऑन कर रहे। ओके। ये जो टेबल आपका दिया हुआ है ये 137 पे दिया हुआ है। आप सबने अपने प्रिंट्स किए थे, प्रिंट किए थे नोट?
जो मैंने नोट्स आपको कहा था प्रिंट करने के लिए, चैप्टर 3 सबने प्रिंट किया हुआ, सबके पास है वो? जी सर, प्रिंट किया हुआ है सर। ठीक है, तो सब जो है पेज नंबर 85 खोलें, 85। आप लोगों ने फिर अपने कैमरे ऑफ कर लिए? अच्छा चलें, ठीक है। कोई मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि सारे एक्टिव हैं या नहीं, दैट्स इट। और मुझे कोई नहीं इसमें इशू, सबको स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? जी सर, नजर आ रही है सर। सर पेज नंबर कौन से खोलने? आप अगर 137 खोलेंगे, सॉरी स्क्रीन ब्लर बहुत ज्यादा है। जी जी ब्लर हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं इसको दोबारा से करेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या इशू है। अब ठीक है? यस सर, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा छोटा। अच्छा अब आपको सर पेज नंबर दोबारा बता दे सर। जी पेज नंबर सर दोबारा बता दे। यार आप अगर डॉक्यूमेंट पीडीएफ खोल रहे हो तो उसमें 137 टाइप कर लो, या फिर अगर आपके पास पड़ा नहीं सर, प्रिंट किया हुआ है सर। हाँ प्रिंट किया हुआ, तो उस पे 86 पेज खोल लो। ओके सर। ये टेबल है, टेबल 3.8, ठीक है, ये मैं करा रहा हूँ सुबह। अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो करंट रेशो के अंदर से मैंने आपको बताया था कि क्विक करंट जो लिक्विडिटी है उसके अंदर आपकी क्विक रेशो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं 2012 के अंदर। 2012 के अंदर अगर आप, मेरा कर्सर आपको नजर आता है कि नहीं आता? नहीं निकल आता होगा, आता है नजर सर। अच्छा अब देखें, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा यहाँ पे 1.97 पे, ठीक है। यस सर, ठीक है। 2012 के अंदर 1.97 इसका रेशो निकली है, ठीक है। और 2012 में ही क्विक रेशो जो है 1.51 निकली है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं ये 2010 के साथ, तो आप देख रहे होंगे कि वो कम हो रही है 2010 से ऑनवर्ड्स करंट रेशो, ठीक है। वो 2 थी और 1.97 हो गई है, तो वो कम हो रही है, जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि ज्यादा हो रही है क्विक रेशो में, ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये रेशो ज्यादा बेटर है क्विक रेशो, ठीक है। फॉर टू नो, अच्छा लिक्विडिटी रेशो कोई भी समझा दे मुझे कि क्या, किस वजह से हम यूज करते हैं और इसका क्या एनालिसिस पेश करेंगे कि अगर वो 1 से ज्यादा तो है लेकिन हम इसे गुड कंसिडर कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? ऊपर देखें, यहाँ पे आप देखें तो ओके ओके दिया हुआ है सबको, ठीक है। यहाँ पे उसने एनालिसिस करने के बाद कहा कि ये गुड है, व्हाई उसने ये क्यों कंसीडर किया कि इट्स अ गुड? सर ये इन्होंने लाइन वाइज देखा है कि 2010 का 1.32 थी क्विक एसिड रेशियो, और 2011 की 1.46 थी, इस तरह इंक्रीज हो रही है तभी इन्होंने गुड लिखा है। जी हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा इंक्रीज हो रही है, आपके हिसाब में इंक्रीज होने की वजह क्या होगी? इन दोनों रेशियोज में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन्वेंट्री एक में आप माइनस करते हैं और एक में नहीं करते। जिसमें आप माइनस करते हैं तो उसमें इसकी इंक्रीज होने की वजह क्या हो सकती है, आप आपके जहन में क्या आता है? क्योंकि लाइबिलिटीज वही की वही है। सर
सर करंट रेशियो में इन्वेंट्री नहीं होती, जबकि क्विक एसेट में इन्वेंट्री है। नहीं, इन्वेंट्री इसमें क्या ज्यादा हो रही होगी या कम हो रही होगी, क्या क्या वजह होगी जिस वजह से ये रेशियो ज्यादा हुई है? सर आई थिंक इन्वेंट्री माइनस हो रही है तभी रेशियो इंक्रीज हो रही है। अच्छा आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप इन्वेंट्री किसी चीज में से माइनस कर रहे हैं, जो भी करंट एसेट्स अभी करंटली थे ठीक है, उसमें से आप कोई चीज सबट्रैक्ट करेंगे तो वो कम होगी ना, हमारा न्यूमिनेटर इसमें कम हो रहा है ठीक है। तो न्यूमिनेटर कम होने का मकसद इस वक्त क्या और वजह क्या हो रही है कि न्यूमिनेटर कम हो रहा है और हमारी करंट लाइबिलिटी वाली साइड जो है वो चेंज हो रही। इन्वेंट्री इन्वेंट्री बेसिकली किसी चीज के किसी कंपनी के लिए इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, होल्डिंग एन इन्वेंट्री। सही है, गुड थिंग है, बैड तो हो नहीं सकती। नहीं, होल्डिंग इन्वेंट्री मतलब एक तरह से आपने इन्वेंट्री बना ली है, वो भी सेल नहीं हो सकती या कोई रीजन है, तो आपने उसको उसको कॉस्ट कंसीडर करेंगे या अपने एसेट कंसीडर करेंगे? सर वो फिर कॉस्ट कंसीडर कर लेंगे, अगर एक चीज हम बना रहे वो बेच नहीं सकते तो फिर तो कॉस्ट जाएंगे ना उसके, तो उसको, वो तो फिर बेच चीज। ये होता है कि वो मैनेजिंग कॉस्ट हो सकती है आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इन्वेंट्री होल्ड, आपके पास इन्वेंट्री है मौजूद है फॉर अवेलेबल फॉर सेल, मगर वो एज सच अभी वो सेल नहीं हो रही ठीक है, करंटली वो सेल नहीं हो रही, इसलिए आपने जो कैशेबल है ना आइटम वो आपने ज्यादा कंसिडर करना होता है लिक्विडिटी के लिए सर ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छी चीज है इन्वेंट्री होना। इस तरह से हम आगे एनालिसिस करते हैं इसका। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे कि एक्टिविटी ठीक है, ये बेसिकली कैटेगराइज की हुई है, इसमें रेशियोज को कैटेगराइज किया हुआ है। जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो लिक्विडिटी थी, ये सबको समझ में आ गई लिक्विडिटी? यस सर। ठीक है, तो लिक्विडिटी से आगे हमारे पास है मतलब एक्टिविटी क्या, कंपनी के अंदर एफिशिएंसी क्या है ठीक है। जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम कंपनी की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि हाउ एफिशिएंट इज द कंपनी। सो इन्वेंट्री टर्नओवर यहाँ पे रेशियो दी हुई है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर इन्वेंट्री, ये उसका फार्मूला है और इसके आगे ये रेशियो उन्होंने कैलकुलेट की हुई है फॉर द ईयर 2010 से लेके 2012 तक ठीक है। इसके बाद इधर एक इंडस्ट्री की एवरेज भी दी हुई है 6.6। अच्छा एक और चीज आप नोटिस करें, यहाँ पे इंडस्ट्री की एवरेज दी हुई थी 1.43, जो हमने पिछला पॉइंट रेज किया कि इट्स अ गुड, हम कंसीडर करें एवरेज जब इंडस्ट्री के साथ, तो हमारा हमारी रेशियो ज्यादा निकल रही है इंडस्ट्री से ठीक है, इस वजह से हमने गुड कंसिडर किया था, ओवरऑल गुड कंसिडर किया था ठीक है। इसी तरह से आपकी जो कंपनी की एफिशिएंसी है, अच्छा एक एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी सिमिलर कंपनी जो आपका कंपेटिटर है उसके साथ तो हम असेस कर सकते हैं ठीक है। उसी जब हम इंडस्ट्री एवरेज लेते हैं तो हम इंडस्ट्री एवरेज अपने कंपेटिटर की लेंगे अपनी गिवन मार्केट के अंदर, तो और अगर किसी और कंपनी के साथ लेते हैं जो कि हमारे साथ रिलेटेड ही नहीं है, सो वी आर मेकिंग अ रॉन्ग एनालिसिस ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स ओवर इन्वेंट्री आपके पास ये वैल्यूज आ गई 5.1, 5.7, 7.2। अब आपने इनके असेसमेंट कैसे की है कि ये इंक्रीज हो रही है, आप देख रही हैं इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है आपका ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड गुड। इसी तरह से आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड, अच्छा अकाउंट्स रिसीवेबल किस किस को लगता है कि जल्दी रिसीव होना ज्यादा अच्छा है इंस्टेड के वो लेट रिसीव हो? जी मोहम्मद अहमद आप बताएं। सर मेरे ख्याल से ये अगर जल्दी ही मिल जाए तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ना अकाउंट रिसीवेबल में वो चीज आते हैं जो हमारे किसी पे मतलब कर्ज हो या जो भी हो, वो अगर हमें जल्दी दे दे तो वो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। नहीं
नहीं, कर्ज आपने दिया हुआ है या कर्ज आपने किसी को दिया हुआ है एज अ कंपनी, या आपको कर्ज मिला हुआ है, क्या है इसमें? नहीं सर, मैंने अगर दिया है एज अ कंपनी वालों ने, हमने मतलब अगर हमने दिया है तो वो चाहिए कि वो हमें जल्द मिले वापस। जी हाँ, अकाउंट्स रिसीवेबल आप चाहेंगे कि आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो जितना मिनिमम क्रेडिट पीरियड होगा आपका, उतना कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है। लेकिन इधर एक सिनेरियो आप देखें कि इसका एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल जो है 2010 में था 43.9 डेज में इसको रिकवरी मिल जाती थी, उसके बाद 2012 में 51 डेज हो गए, फिर उसके बाद 2012 में 59 डेज हो गए, तो ये इंक्रीज हो रहा है। सो ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी, तो ये पुअर कंसिडर हो रहा है। उसके बाद एवरेज जिस मार्केट में वो था, उस मार्केट की एवरेज है 44.3 डेज, ठीक है, तो अपनी मार्केट कंपेटिटिव भी नहीं है, तो इसलिए पुअर है। अब इसके बाद अकाउंट्स पेएबल, अब जो ये पे करती है कंपनी अकाउंट्स पेएबल, व्हाट यू थिंक के क्या बेटर होगा, ज्यादा जल्दी? सर एक्सक्यूज मी सर, जी सर, कुछ कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं हो रहे, तो सर से कहें कि हम क्या नहीं हो रहे। जी सर, वो कह रहे थे कि हम ज्वाइन नहीं हो रहे सर, वो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं हो रहे, सर से कहें कि वो एडमिट कर दें। वो बिल्कुल अभी हमने कर लेते हैं, असल में बात ये कि अभी ये जैसे सेशन एंड हो जाएगा, हमारे पास हार्डली 5 मिनट्स रहते हैं, उसके बाद जब रीज्वाइन कर लेंगे तो तब वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए उन्हें अभी ऐड करने बीच में समझ भी नहीं आएगा, उनको फायदा नहीं है इसी ऐड करने। ओके सर, ओके सर। अच्छा, तो अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स एवरेज पेमेंट पीरियड है, ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला है अकाउंट्स पेएबल ओवर एवरेज परचेज पर डे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, आपको अगर पेमेंट थोड़ी देर से देनी हो तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, या आप जल्दी दे रहे हो तो ज्यादा अच्छा है? इन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव क्या चीज अच्छी है, अकाउंट्स पेएबल का लंबा पीरियड अच्छा है या अकाउंट्स पेएबल को जल्दी देना अच्छा है? सर जल्दी दे देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपके स्टैट्स क्या कह रहे हैं, जो आपके फिगर्स आए हैं उनके हिसाब से हम बात करते हैं। 75 डेज था 2010 में, उसके बाद 2012 में था 95 डेज, ठीक है। अब ये बेसिकली बात क्या हो रही है, 95 डेज आप होल्ड करते हो किसी की पेमेंट 2010 में, विच इज रॉन्ग, राइट, दिस इज रॉन्ग। और हमने हमेशा से एक इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करना है, तो अगर इंडस्ट्री 66 डेज में पे कर देती है और हम 95 डेज में पे कर रहे हैं, तो प्रोबेबली वी आर डूइंग रॉन्ग इन दैट इंडस्ट्री, ठीक है। उस इंडस्ट्री की सेट एक मतलब एक एवरेज निकली है कि जिसमें 66 डेज में नॉर्मली कंपनीज पे कर देती हैं, और हमारा एवरेज 2010 से लेकर 2012 तक ज्यादा है, विच इज रॉन्ग, ठीक है, जिसको इज कंसिडर्ड पुअर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, उसके बाद टोटल एसेट्स टर्नओवर, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल एसेट टर्नओवर जो है हमारी कंपनी का बेटर है, कोई इसको कर सकता हो, एनालिसिस कर सकता हो इसका, इसका फार्मूला भी गिवन है, इसके रेशियोज भी गिवन है, कोई इसका एनालिसिस कर सके आप में से? सर ये 2010 में 0.94 था इसका टोटल एसेट टर्नओवर, 2011 में 0.79 और 12 में 0.85, जबकि हम इंडस्ट्री में देखते हैं जब वहां पे 0.75 है तो हम इंडस्ट्री से ज्यादा आगे जा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री 0.75 इनका टारगेट है। एवरेज एवरेज, हाँ जी, आपकी एवरेज जो है एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, ऐसी ही एक्सप्लेनेशन देनी है। इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन हो सकता है और या फिर किसी एक और कंपनी के साथ आपका कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इंडस्ट्री एवरेजेस देनी है तो इट कुड बी एनीथिंग, आपको इंडस्ट्री एवरेज दे सकती है या आपको कोई आपकी एक कंपेटिटर फर्म का इसी तरह से रेशो दी जा सकती है, जिसकी जैसे आप बेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने आप को बताएंगे हम गुड चल रहे हैं या हम बुरे चल रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको?